नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और महागठबंधन के जिन नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है, उनकी लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। एक के बाद एक महागठबंधन के कई नेता नीतीश कुमार पर बहुत सधे अंदाज में बहुत खुलकर हमलावर रहे हैं। सुधाकर सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिनको कारण बताओ नोटिस भी पार्टी के तरफ से भेजा गया है, भले ही वो जेडीयू के दबाव में भेजा गया हो। लेकिन अकेले सुधाकर सिंह नहीं है, ये फेरिस्त लगातार लंबी होती रही है। चाहे वो शिवानंद तिवारी का आश्रम जाने वाला बयान हो, चाहे जगदानंद सिंह का ये कहना कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तेजस्वी बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, अनिल सहनी का बयान हो या आरजेडी के दूसरे नेताओं के बयान हो। अब इस लिस्ट में नाम शुमार हो गया आरजेडी के एक और वरिष्ठ नेता का। आरजेडी के बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी। उन्होंने नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार बता दिया है और जाहिर तौर पर उदय नारायण चौधरी के बयान पर बिहार में सियासी बवाल और खासकर महागठबंधन के अंदर भूचाल जरूर आ सकता है, क्योंकि जेडीयू को इन बयानों से आपत्ति रही है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है आरजेडी के बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि विकास तब होगा जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आ रहा है। उदय नारायण चौधरी जमुई लोकसभा सीट से अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये जानकारी भी है और इसकी तैयारी से वे अभी से ही क्षेत्र में घूम रहे हैं। जमुई के सिंगुल तल्ला इलाके में वो पहुंचे थे और वहां के लोगों के साथ बैठक की। तो जाहिर तौर पर जब बैठकें होती है, स्थानीय लोगों की कई शिकायतें होती हैं, स्थानीय लोग सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार के फैसलों को लेकर, अफसरशाही को लेकर तमाम तरह की शिकायतें करते हैं। और जब वहां के लोगों ने जो शिकायत की तो इसका ठीकरा उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार के सर पर फोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। उदय नारायण चौधरी ने स्थानीय लोगों से कहा कि बिहार में अभी लंगड़ी सरकार है, इसके कारण आरजेडी अपने एजेंडे पर काम नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव कमिटमेंट पूरा करने वाले नेता हैं। जब बिहार में राजद की सरकार होगी और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो सारे वायदे पूरे होंगे। तो ये बड़ा बयान है और आरजेडी के वरिष्ठ नेता, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का बयान है। नीतीश कुमार की सरकार को, महागठबंधन की सरकार को लंगड़ी सरकार बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सारे वायदे पूरे होंगे। अभी जो सरकार है उसकी वजह से आरजेडी अपने एजेंडे पर काम नहीं कर पा रही है। तो जब आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तभी काम होगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर आमादा है, उसको लेकर हड़बड़ी है, तो सिर्फ सुधाकर सिंह के बयान पर ही आपत्ति क्यों? सुधाकर सिंह भी तो यही कह रहे हैं, डील हुई थी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहे हैं। ये अलग बात है कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लेकर और कई आक्रामक बयान दे चुके हैं। तो महागठबंधन में खेल चल रहा है और खेल महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही शुरू हुआ है, जिसका सिलसिला अभी तक खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उदय नारायण चौधरी के बयान को जेडीयू कैसे लेती है ये देखना होगा, लेकिन बवाल बढ़ेगा इस बात की भी गुंजाइश नजर आती है।